हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि नेटवर्क इशू है, वाईफाई नहीं चल रहा है इस वजह से। तो 11 11:30 बजे तक डाल दूंगा मैं। और तो गाइस, आज है कितनी तारीख, 6 तारीख। आज भी होली है, कल भी होली है, परसों भी होली है। कोई आज जलाएगा होली, कोई परसों जलाएगा, कोई कल जलाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। हैप्पी होली बाबू। हैप्पी होली बाबू। और लग रही बहुत क्यों जोर से दबाती है। हैप्पी ओ, मेरे पेट होली? में बच्चा है ना, आओ, आपके पेट में कहाँ है? तभी तो इतना दूर होकर खड़ा हूँ। देखो, तुमसे ज्यादा पेट तो मेरा फूला हुआ है। मैं फुलाए रही हूँ ना, आप फुलाए हो ना। तो गाइज, मैं सारे स्कूल को, कॉलेज वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर प्लीज थोड़ा अच्छे से रख लूँ, बहुत जेन्युइन बात है। तो मैं सारे स्कूल वाले और कॉलेज वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको होली 8 तारीख को होली है, 6 तारीख से एग्जाम शुरू करने की क्या चुल्ल थी। 6 तारीख से आप शुरू कर रहे हो, मार्च चल रहा है, 17 मार्च को आप एग्जाम खत्म कर देते हो, बाकी के 13 दिन बचे हैं यार, होली खेलने दो बच्चों को। एक होली दिवाली ही होते हैं जो सब बच्चों के वजह से अपने मम्मी पापा, अरे क्या बोल रहा हूँ, एक होली दिवाली होते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं, या जैसे कोई दिल, जैसे मेरा भाई है वो गाजियाबाद में रहता है, अब वो औरैया आना चाहता है होली मनाने के लिए, लेकिन उसकी बिटिया के पेपर है, परी के पेपर है। 6 तारीख से शुरू कर दिए, पहला पेपर 6 तारीख को, दूसरा पेपर 10 तारीख को। अरे पहला पेपर 10 को कर लो यार, जो 17 को शुरू कर रहे हो 21 को खत्म कर दो यार, तो मेरा भाई भी आके होली मना ले। मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे और भी लोग हैं, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था हम जब छोटे थे। एक होली दिवाली, ये दो बड़े बड़े जो त्योहार हैं इन पर आप ध्यान दिया करो यार। त्योहार निकल, या तो त्योहार से पहले पेपर खत्म कर दो या त्योहार के बाद खत्म करो, ये बाद शुरू करो ताकि सारे फैमिली वाले एक दूसरे से मिल सके, समझ रहे हो। अरे यार, मैं सोच रहा था मेरे दादा भाभी आएंगे, वो भी नहीं आ पाएंगे अभी होली पे। तो योगी जी, मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉलेज वाले स्कूल वालों को बोलिए कि होली दिवाली या तो पेपर पहले खत्म कर लो या उस होली दिवाली के बाद शुरू करो, ताकि ये दो त्योहारों में लोग अपने घर में मिल लें। साल भर बाहर पड़े रहते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, समझ रहे हो ना, माँ बाप से मिल नहीं पाते। ये होली दिवाली चलो सोचते हैं, चलो होली पे आएंगे, होली दिवाली मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप बच्चों के एग्जाम दे देते हो। भाई मैंने तो सोच लिया, मेरा बच्चा होगा ना, चाहे एग्जाम हो मैं उसको रीअपीयर का पेपर दिला दूंगा, भाई दूसरा पेपर दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक में फेल है कोई बात नहीं, लेकिन होली दिवाली जरूर मनाऊंगा। क्या यार, मेरा बच्चा होगा, अब मेरे बच्चे का 7 तारीख को होली है, 6 तारीख को पेपर, 6 तारीख का छोड़ दूंगा पेपर, कोई बात नहीं। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे बर्बाद कर दी जिंदगी, बताओ कितनी होली हमने घर ही घर में बनाई, हमारा भी मन करता है। अब देखो, ये मेरे बाबा हैं, इनके साथ में कभी होली नहीं मना पाया, मुश्किल से एक, मुश्किल से अगर हमारी होली के बाद पेपर हुए होते तो मैं बाबा के साथ भी अपना कितनी होली मनाई होती, समझ रहे हो। तो अभी मेरे परी के दादी बाबा हैं तो इनके साथ होली मना लेने दो यार, स्कूल कॉलेज वालों, क्यों यार आप ऐसा करते हो। मोदी जी सुन रहे हो ना, सच सही बात कह रहा हूँ। अब आप कहोगे कि या तो त्योहार मना लो या बच्चों को पढ़ा लो, अरे बच्चे तो 2 दिन बाद भी पढ़ जाएंगे, लेकिन त्योहार फैमिली, साल में एक बार आता है, फैमिली फैमिली सबसे जरूरी है। अभी है तो होली मन जाएगी, सबका साथ सबका विकास। जो पेपर आप 6 तारीख को शुरू कर रहे हो, होली के बाद भी शुरू कर दो, तो इनके साथ में 4 5 होली मना ही लेता। एक ही होली मनाई होगी मैंने मुश्किल से, वो भी याद है,
यार है मेरे को ये एक मनाई थी। अरे यार गलत है यार, मेरे को दुख है इस चीज का, मजा नहीं आ रहा मेरे को इस होली पे, क्योंकि अब मैं ही अकेला हूँ, मैं स्वाती हैं और जो मेरे साले साहब हैं उनके भी एग्जाम चल रहे हैं। उसके कब से स्टार्ट हुए? 27 फरवरी से हैं। अब अगला पेपर कब है? 13 फरवरी और 21 मार्च को खत्म हो जाएंगे, और बाकी के जो 9 मार्च पड़े उनमें क्या करेगा वो छुट्टी, उन छुट्टी का क्या करना है जब त्योहार नहीं मना पा रहे? तो 3-4 महीने की छुट्टी ले, रिजल्ट जून में आएगा। समझ नहीं आ रहा यार मेरे को, सीन समझ नहीं आ रहा मेरे को स्कूल वाले और कॉलेज वालों के। फ्यूचर में मैंने सोच रखा है, फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में मैं एक अपना स्कूल बनवाऊंगा, और अगर किस्मत अच्छी, स्कूल का सोचा है मैंने अभी तक, आगे का नहीं सोचा, और किस्मत अच्छी रही तो कॉलेज बनवाऊंगा, और एग्जाम होली दिवाली पे रखूंगा ही। जाओ यार अपने फैमिली के साथ बना लो। टीचर भी नहीं जा पा रहे थे, कोचिंग जा रहे हो, बच्चों को जा रहे हैं। टीचर भी पढ़ाते हैं, उनको भी जाने का मन होता है। टीचर भी, हाँ, अरे वेरी गुड। टीचर्स जो स्कूल में टीचर्स है उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी नहीं जा पा रहे। ये करता धरता तो सब टीचर ही है, यही तो करते होंगे, प्रिंसिपल करते हैं ना। ऐसा नहीं होता है यार, टीचर को जो मिल जाएगा रूल्स वो करेगा ना, टीचर सुबह प्रिंसिपल देंगे रूल्स। अरे स्कूल के बच्चे परी पांचवी क्लास में, पांच छह साल की है, सेकंड क्लास में, उसका एग्जाम बताओ 6 तारीख को रख दिया, आज 6 तारीख है, 6 तारीख को रख दिया, अगला पेपर 9 तारीख को रख दिया, होली खत्म होते ही अगला पेपर, ना आ पाओ ना जा पाओ, कि होली खेली होलो लो लो लो, शाम को निकलो, एक दिन सफर करके आए, एक दिन सफर करके 10 मिनट की होली खेलने के लिए। ये सब टीचरों की मिली भगत होती है और क्या। अब कोई आ रहा है त्योहार पे, कम से कम होली से एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद, ये 2-3 दिन अपना वो तो रहे कि कोई 200-300 किलोमीटर दूर जा रहा है, और ये तो चलो 300 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 घंटे का रास्ता है, लोग 2-2 दिन दूर जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने यही सोच के, चलो होली खेलेंगे फैमिली के साथ। लेकिन आप स्कूल वाले और कॉलेज वाले, समझ ही नहीं आता आप लोगों का क्या सीन है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात में, मैं सीरियस हूँ लेकिन पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। अब मैं घर में अकेला पढ़ रहा हूँ बताओ, और ऐसा हर जगह होता होगा कि कोई किसी का फैमिली वाला नहीं आ पाता, होली तो मनाते हैं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बेमन से पूरी फैमिली होती है तो और मजा आता है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो योगी जी और मोदी जी, ध्यान रखना आप, अगर आपके पास ये ब्लॉग पहुंचता है तो ठीक है, अगली साल से थोड़ा चेंजेस करवाओ, या अप्रैल से थोड़ा चेंजेस कराओ, और बोलो कि होली दिवाली एग्जाम नहीं होंगे, या तो पहले होंगे या बाद में होंगे, ठीक है, ताकि बच्चे अपने फैमिली वालों से मिल सके माला लटकने से पहले। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी और हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे, अरे जुगा करा है सफाई भाई गल्ले यार, सही कर दो, मैं बैट नहीं लगा पाती सही से। एक मिनट गुड मॉर्निंग बोलना था मेरे को छुपा के।